जय जिनेंद्र। जैन धर्म की कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतिवर्ष 16 कारण पर भादों, माघ और चैत्रबदी एकम से क्वार, फाल्गुन और वैशाखबदी एकम तक मनाया जाता है। सामान्यतः यह पर्व 31 दिन का होता है। इस पर्व में 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया जाता है। इन भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध होता है। इस कर्म प्रकृति के उदय से समपसरण एवं पंचकल्याणक रूप विभूति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं 16 कारण व्रत का क्या महत्व है और यह व्रत कब और कैसे करते हैं। षोडश कारण भावना जो भाई चित साधार कर तीन पद की वंदना कहूं कथा सुकार। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के बिहार प्रांत में राजगृही नगर में राजा हेम प्रभु और रानी विजयावती थी। इस राजा के यहाँ महाशर्मा नाम का नौकर था। महाशर्मा और उसकी स्त्री प्रियंवदा की काल भैरवी नाम की एक अत्यंत कुरूप कन्या थी, जिसे देखकर सभी को घृणा होती थी। एक दिन मतिसागर नाम के चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से गमन करते हुए उस नगर में आए। महाशर्मा ने मुनि का प्रगाहन भक्ति भाव से किया और आहार दिया। धर्मोपदेश ग्रहण करने के बाद महाशर्मा ने विनयपूर्वक मुनिराज से पूछा, हे मुनिवर, मेरी बेटी काल भैरवी किस पाप कर्म के उदय से ऐसी कुरूपी हुई है? तब मुनिराज ने उसके पिछले भव की कहानी बताई। मुनिराज बोले, उज्जैन नगरी में राजा महीपाल तथा रानी बेगावती की विशालाक्षी नाम की अत्यंत रूपवान कन्या थी, जो बहुत अहंकारी और अच्छे संस्कारों से रहित थी। एक दिन दर्पण के सामने बैठी वह मन ही मन अपने रूप रंग की प्रशंसा कर रही थी। इतने में ज्ञान सूर्य नाम के महातपस्वी मुनिराज उसके घर से आहार लेकर निकले तो इस अज्ञानी कन्या ने रूप के घमंड में मुनि को देखकर खिड़की से मुनि के ऊपर थूक दिया। समताधारी मुनिराज ने मुंह उठाकर भी नहीं देखा, वह चलते ही रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर राजपुरोहित इस कन्या का अभिमान देखकर उस पर बहुत क्रोधित हुआ और प्रासुक जल से मुनिराज के शरीर का प्रक्षालन करके वैयावृत्ति की। यह देखकर वह कन्या अपने आप पर लज्जित हुई और अपने कार्य पर पश्चाताप करके मुनिराज के पास गई और अपने अपराध की क्षमा मांगी। मुनिराज ने उसको धर्म लाभ देकर उपदेश दिया। उसके पश्चात वह कन्या वहां से मरकर तेरे घर यह काल भैरवी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। इसने जो पूर्व जन्म में मुनिराज की निंदा बाउपसर करके घोर पाप किया है, उसी के फल से यह कुरूपा हुई है। तब महाशर्मा बोला, हे मुनिराज, आप कृपया कर ऐसा उपाय बताएं जिससे यह कन्या अब इस दुख से छूटकर सम्यक सुखों को प्राप्त करे। तब मुनिराज बोले, जिन धर्म से तो अनादिकाल से लगे हुए जन्म मरण आदि दुख भी दूर होकर सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए यदि यह कन्या षोडश कारण भावना भाए और व्रत पाले तो अल्पकाल में स्त्रीलिंग छेद कर मोक्ष सुख को प्राप्त करेगी। तब महाशर्मा बोला, गुरुवर, षोडश कारण भावनाएं कौन कौन सी हैं और इस व्रत की विधि क्या है? तब मुनिराज ने 16 कारण भावनाएं बताई, जो कि इस प्रकार हैं। दर्शन विशुद्धि। दर्शन शब्द का अर्थ है यथार्थ श्रद्धांत, अर्थात जिनेंद्र देव द्वारा बताए गए मार्ग का 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित पूर्ण श्रद्धांत करना ही दर्शन विशुद्धि भावना है। दूसरी विनय संपन्नता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एवं वीर्य की, इनके कारणों की तथा इनके धारकों की विनय करना तथा गुणों तथा आयु में वृद्ध पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार करना विनय संपन्नता कहलाती है। तीसरी शील व्रतेषु नतिचार। अहिंसा आदि 5 व्रत हैं तथा इनके पालन में सहायक क्रोधादि का त्याग करना शील कहलाता है। व्रत और शीलों का
निर्दोष रीति से पालन करना ही सील 32वां नित्य चार है। चौथी अवीक्षण ज्ञानोपयोग, सदैव ज्ञानाभ्यास में लगा रहना अवीक्षण ज्ञानोपयोग है। जो व्यक्ति निरंतर धार्मिक ज्ञानाभ्यास करता है उसके हृदय में मोह रूपी महान अंधकार निवास नहीं करता। पांचवी अवीक्षण संवेग, सांसारिक विषयों भोगों से डरते रहना अवीक्षण संवेग है। छठवीं शक्ति का त्याग, अपनी शक्ति को ना छिपाते हुए आहार औषधि अभय उपकरण आदि का दान देना शक्ति का त्याग है। सातवीं शक्ति का तप, अपनी शक्ति को ना छिपाकर मोक्ष मार्ग में उपयोगी तपानुष्ठान करना शक्ति का तप है। आठवीं साधु समाधि, दिगंबर साधु के तप में उपस्थित आपत्तियों का निवारण करना तथा उनके संयम की रक्षा करना साधु समाधि है। नौवीं वैयाव्रत करण, गुणी पुरुषों की साधना में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करना एवं उनकी सेवा करना वैयाव्रत करण है। दसवीं अरह भक्ति, ग्यारहवीं आचार्य भक्ति, बारहवीं बहुश्रुत भक्ति और तेरहवीं प्रवचन भक्ति। अरहंत आचार्य बहुश्रुत प्रवचन शास्त्र इन चारों में शुद्ध निष्ठापूर्वक अनुराग रखना ही अरहंत आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति है। बहुश्रुत का अर्थ उपाध्याय है, प्रवचन का अर्थ जिनवाणी है। चौदहवीं आवश्यिका परिहानी, सामायिक चतुर्विंशति वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, इन छह आवश्यक क्रियाओं को यथाकाल अविच्छिन्न रूप से करते रहना आवश्यकता परिहारी है। पंद्रहवीं मार्ग प्रभावना, अपने श्रेष्ठ ज्ञान और आचरण से मोक्ष मार्ग का प्रचार प्रसार करना मार्ग प्रभावना है। सोलहवीं प्रवचन वत्सलत्व, गाय के बछड़े की तरह साधर्मी जनों से निश्चल निष्काम स्नेह रखना प्रवचन वत्सलत्व है। आचार्य महाराज ने इस प्रकार 16 कारण भावनाओं का स्वरूप कहकर व्रत की विधि बताई। यह व्रत बादों माघ और चैत्र की बदी एकम से क्वार फाल्गुन और वैशाख बदी एकम तक एक वर्ष में 3 बार पूरे 1 माह तक यह व्रत करना चाहिए। उत्कृष्ट रूप से 16 वर्ष तक, मध्यम रूप से 5 या 2 वर्ष तक और जघन्य रूप से 1 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। इन दिनों बेला तेला या उपवास करें अथवा नीरस या 1, 2, 3 आदि रस का त्याग कर उनोदर पूर्वक 1 बार भोजन करें, ब्रह्मचर्य से रहें और प्रतिदिन 3 समय 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीम दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता सील व्रतेश्व नतिचार अवीक्षण ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति त्याग शक्ति स्तप साधु समाधि भैया व्रत करण अरहत भक्ति आचार्य भक्ति बहुश्रुत भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यकता परिहानी मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सल्य इति षोडश कारणेभ्यो नमः। व्रत पूरे हो जाने के बाद उद्यापन के रूप में 16-16 उपकरण मंदिर जी में भेंट करें। यदि द्रव्य खर्च करने की शक्ति ना हो तो दूना व्रत करें। काल भैरवी ने सब कुछ सुना और व्रत पर श्रद्धा हुई और उसने व्रत स्वीकार करके उत्कृष्ट रीति से पालन किया और विधि पूर्वक व्रत का उद्यापन किया। वह आयु के अंत में समाधि मरण द्वारा स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में देव हुई। वहां 22 सागर आयु पूर्ण कर वह देव विदे क्षेत्र में राजा श्री मंदिर और रानी महादेवी के सीमंदर नाम का तीतंकर पुत्र हुआ। उसने योग्य अवस्था को प्राप्त होकर जिनेश्वरी दीक्षा ली और घोर तप कर केवल ज्ञान प्राप्त करके बहुत जीवों को उपदेश दिया और आयु के अंत में अघातिया कर्मों को नाश कर निर्माण पद को प्राप्त किया। इस प्रकार इस व्रत धारण कर काल भैरवी नाम की कन्या ने मोक्ष पद को प्राप्त किया। जो भव्य जीव इस व्रत का पालन करेंगे उनको भी अवश्य ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी। षोडश कारण व्रत धरो काल भैरवी सार, सुरनर के सुख दीप लहो मोक्ष अधिकार। जय जिनेन्द्र।